ओके सो हाय गाइस, दस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस कॉन्सेप्ट में गाइस मैं जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और गाइस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपसे करना है गाइस आपसे को पहले अपनी फोटो का जो है बैकग्राउंड रेज करना है, ठीक है? तो गाइस हम पहले से अपने इस फोटो का बैकग्राउंड रेज करेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे यहाँ से हम ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस यहाँ से हम पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है गाइस इरेजर टूल में। एंड गाइस यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जो हार्डनेस होगी इसकी गाइस आप उसको रखना है 90 तक। एंड यहाँ से आपको सेट कर देना है, देन आपको फोटो को यहाँ से सेट करेंगे एंड फोटो को जूम करके फटाफट से इरेज कर लेना है। ओके गाइस सो अब आप सभी को क्या करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है? इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में जो गाइस अभी जिसका मॉडल का हमने कट आउट लिया था गाइस हम सिंपली उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। ऐड करने के बाद गाइस आप सभी कुछ अपने मॉडल को गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस जो आपका हैंड होगा ना वो गाइस सुशांत सर के शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? एंड इसको कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है। एंड इसको गाइस आपको यहाँ पे थोड़ी सी ना इसको कुछ स्टेप से रखना है कि आप ओपेसिटी कम करेंगे। आप जब चेक करोगे तो गाइस आपका जो पीछे की जो कोनी होती है गाइस वो आपके जो मतलब कि सुशांत सर का जो हेड है उसके पीछे जाना चाहिए, ठीक है? तो उसको हम इरेज करेंगे फिर उसके यहाँ से हम उसको पीछे पहुँचाएंगे। तो इरेजर टूल में जाएंगे इसके हार्डनेस को हम फुल कर देंगे एंड उसके बाद फोटो का भी जूम करेंगे। सो गाइस आप मुझे फटाफट से इरेज करते हैं, ठीक है? तो गाइस एंड गाइस मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोग इस फोटो को अगर एडिट करते हो सुशांत सर के साथ तो प्लीज़ यार मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। मैं आप सभी भाइयों को शॉर्ट आउट दूंगा इस फोटो में, ठीक है? चाहे आप कैसे भी एडिट करो बट आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। मैं आप सभी को गाइस शॉर्ट आउट दूंगा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है? तो गाइस आप लोग टैग करना मत भूलना बिल्कुल भी। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या गाइस याद से मेरे को टैग जरूर करना अगर आप ये वाली फोटो एडिट करते हो तो। बाकी गाइस चलिए मैं उसे फटाफट से इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा म्यूजिक सुना देता हूँ। सो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है हमारा इरेज उरेज, तो अब इसको हम यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर लेते हैं। बट गाइस अभी हम यहाँ पे डन नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना है। तो गाइस हम ऐसे एडजस्ट में जाकर थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करेंगे, सैचुरेशन को गाइस थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं हम थोड़ा माइनस की तरफ, ठीक है? एंड उसके बाद फिर क्या करना आप सभी को, इसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाना है हाईलाइट में, ठीक है? आपको हाईलाइट को जो है थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड उसके बाद आपको नीचे मिलेगा सैचुरेशन, ठीक है? तो बट सैचुरेशन मत छेड़ना गाइस आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस अभी डन नहीं करना, आपको जाना ऐड फोटो में एंड यहाँ से गाइस आपको ब्लैक कलर का पीएनजी लेना है क्योंकि गाइस हम इससे भी हम शेडो बनाएंगे। तो गाइस उसके बाद जाएंगे इरेजर टूल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड गाइस फोटो को हम जूम करेंगे एंड उसके बाद गाइस हम कुछ स्टेप जैसे पेंट करेंगे, ठीक है? कुछ स्टेप से। सो अभी इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पेंट करते हैं यहाँ से नीचे से ले जाके ऊपर तक, ठीक है गाइस? तो आपको कुछ स्टेप से करना है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा हम ऊपर तक ले जाते हैं एंड यहाँ पे डन करना आपको इरेजर टूल के जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है एंड ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है। ओके गाइस तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा ना मॉडल का जो नीचे का एरिया है इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो हम इस मॉडल को ले लेते हैं एंड यहाँ से इरेजर टूल में चलते हैं एंड इसके बाद थोड़ा सा ब्रश लेते हैं एंड साइज इंक्रीज करके एंड कुछ स्टेप्स हम थोड़ा यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे परफेक्ट है, तो थोड़ा सा हम नीचे से इरेज भी कर देते हैं। अब गाइस परफेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ से सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम डन करते हैं, ठीक है? क्योंकि यार जो भी हमारे यहाँ पे पिक्सेल का काम था वो तो हमने कर ही लिया है बट थोड़ा सा सैचुरेशन इसका मैनेज कर लेते हैं। तो टूल से जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, सैचुरेशन में जाएंगे एंड इसका थोड़ा सैचुरेशन 10-10 तक कुछ रख देंगे, ठीक है? अब गाइस इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपली इसको हम डन करेंगे एंड गाइस इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद हम इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो पूरी की पूरी अधूरी है। तो यहाँ से जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट होगा
आपको थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो सैचुरेशन उसका सॉरी शेडो होगा उसको इंक्रीज कर देना है, जो वाइट होगा उसको माइनस कर देना है एंड जो ब्लैक होगा उसको भी कम कर देना है। जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है। देन जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है एंड जाना ग्रीन कलर में टी शर्ट का जो कलर है आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सैचुरेशन प्लस करते हैं एंड येलो कलर में जाकर आपको सुशांत सर का टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन आप थोड़ा माइनस कर सकते हो अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए हो, अगर चाहिए होगा तो आप ह्यू को बढ़ा सकते हो एंड बाकी पर्पल कलर में जाकर उसका सैचुरेशन माइनस कर देना कर देना डन। फिर जाना नीचे वाला टूल में फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस फोटो विग्नेट होगा वो डाल देना। नीचे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट उसको बढ़ा देना एंड नीचे वाला टूल में जाकर फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस नोटिफिकेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे आपको कलर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।